हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नंदिता एंड हैप्पी दिवाली सबको। तो दिवाली है और मैं सोच रही थी क्यों ना अपने हेयर को कलर किया जाए, और मैं कैसे अपने हेयर को घर में कलर करती हूँ, तो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। एंड आई एम सॉरी पीछे का जो नॉइस चल रहा है, प्लीज एडजस्ट कर लेना। नहीं तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कुर्ता पहन लिया है तो कपड़े खराब होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पुराना ही है, इसे मैं नहीं पहनती हूँ, कलर कर रही हूँ इसलिए पहना है। और मैं कलर करूँगी ये कलर करूँगी ये गार्नियर का कैरमल ब्राउन है, और इसे मैंने मिंत्रा से परचेस किया है कुछ 150 का प्राइस में। इसका जो प्राइस है वो है 209। प्रोसेस है तो पहले तो इसमें ग्लोव्स है वो पहनना है, फिर मिक्स करना है, फिर अपने हेयर पे लगाना है, 30 मिनट्स तक रखना है, देन वॉश करना है। तो मैं अपने पूरे हेयर में कलर नहीं करूँगी, इतना काफ़ी होगा इतना तक कलर। तो चलो तो इसे खोलते हैं। ओके, तो इसमें है ये कलर नेचुरल्स का क्रीम रिच क्रीम हेयर, ये कलरेंट है और ये डेवलपर है, और ग्लव्स, इसमें ग्लव्स होगा, कंडीशनर भी देते हैं, मैं भूल गई थी, और ये है हमारा ग्लव्स। इसे मिक्स करेंगे, फिर ग्लव्स को पहनेंगे एंड देन अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे। और एक बात, अगर आप फर्स्ट टाइम हेयर कलर कर रहे हो तो ये मैनुअल जो उन्होंने दिया है वो पढ़ लेना। इसमें लिखा है यू हैव रैश ऑन योर फेस और सेंसिटिव इरिटेटेड एंड डैमेज स्कैल्प, इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस एनी रिएक्शन आफ्टर कलरिंग योर हेयर तो डू नॉट कलर योर हेयर। एंड आपको एलर्जी का इशू है कलरिंग से, अगर आपको कलरिंग से एलर्जी है तो आपको इसे नहीं करना है। एंड आपको एक पैच टेस्ट कर लेना है कलर करने के पहले। मेटलिक ग्लास और प्लास्टिक बोल, मैं एक नॉन मेटलिक ग्लास में ही इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि ग्लास में मिक्स करना अच्छा होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। आप चाहे तो इसे प्लास्टिक के बोल में भी मिक्स कर सकते हो। तो चलो फाइनली इसे मिक्स करते हैं। पहले तो मैं ये कलरेंट इसमें डाल रही हूँ। ये डेवलपर भी डाल रही हूँ, करना पड़ेगा। वेज़लिन लगा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर कलर करने के वक्त अगर कलर लग जाए तो आसानी से वो रिमूव भी हो जाएगा, इतना कुछ परेशानी नहीं होगा। डन, आप ग्लव्स पहन लेते हैं। और मैं इसे रबर बैंड से टाई कर लूंगी, फोड़ ना जाए, तो फिर इसे कॉम कर लेती हूँ, अच्छे से अब अप्लाई करती हूँ। पहले तो एंड में सबसे अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हेयर कलर है वो एंड में ही ज़्यादा वाइब्रेंट लगे। मैं ज़्यादा ऊपर तक इसे नहीं लगाऊंगी। इस तरफ तो कवर हो गया है जितना होना था, और इस तरफ भी कलर लगा लेते हैं। अपने बालों में अच्छे से कलर लगा लिया है, मुझे वो पूरा हेयर कलर ही लग गया था पूरा पैक, एंड को ऐसे बांध लिया है। एंड अभी 40 मिनट्स तक वेट करना पड़ेगा, ये सूख जाए अच्छे से, फिर हम इसको धो लेंगे। तो अभी 40 मिनट्स हो गया है और हेयर भी अच्छे से सूख गया है, तो अभी इसे धो के आते हैं। अभी तो मैंने अच्छे से हेयर को धो लिया है, अभी कुछ देर वेट करेंगे, इसे अच्छे से सूखने देंगे, फिर देखेंगे नेचुरल लाइट में इसका जो कलर है वो कैसा आता है।
ओके गाइस, तो दिस इज द फाइनल कलर। इसका कलर पे ऑफ कुछ ऐसा आया है। और ये शूट मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ क्योंकि उस दिन शाम हो गया था हेयर पूरा ड्राई होने में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।